नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर के मांडवा थाना क्षेत्र में गुरुवार को रणिया गैंग पकड़ने गई पुलिस पर अचानक रणिया गैंग के सदस्यों के साथ ही ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। हमले में थानाधिकारी उत्तम सिंह के साथ ही 6 अन्य पुलिस के जवान घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को रणिया गैंग के घर आने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर गई, जिसकी जानकारी लीक होने से गैंग के सदस्य सचेत हो गए। पुलिस के द्वारा मौके पर दबिश देने के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम को बातों में उलझा कर घेरा बना दिया और मौके पर ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में थानेदार सहित करीब 6 जवानों के घायल होने की सूचना सामने आई है, जिन्हें तुरंत प्रभाव से उदयपुर के लेकर पहुंचे और महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार अभी वर्तमान में प्रारंभ है। जानकारी मिलते ही उदयपुर रेंज के IG अजय पाल लांबा भी मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार अभी घायलों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटित घटनाक्रम को लेकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए IG अजय पाल लांबा ने बताया कि पिछले लंबे समय से रणिया का पुत्र कई वारदातों को लेकर वांछित चल रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने के साथ ही एक रणनीति तय करके मौके पर दबिश दी गई, जहां पर गांव के सदस्यों के साथ ही गैंग के लोगों ने पुलिस को घेराबंदी कर ली गई थी और पथराव करने के साथ ही धारदार हथियारों से पुलिस पर वार करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिनका वर्तमान में महाराणा भोपाल चिकित्सालय के इमरजेंसी के अंदर उपचाररत करवाया गया है। साथ ही IG अजय पाल लांबा ने बताया, घटना में घायल हुए किसी भी पुलिसकर्मी के गोली लगने की बात को प्रथम दृष्टया गलत बताया है। मांडवा थाना क्षेत्र में आज शाम करीब 7 बजे कुकावास क्षेत्र में एक अपराधी के होने की सूचना मिली थी। ये अपराधी लूट, डकैती, इस तरह के प्रकरणों में कई जगह वांछित होने के साथ साथ मांडवा में भी पिछले 1 महीने पहले हुई वारदात में वांछित था। इस सूचना पर थानाधिकारी मैं पुलिस बल के दबिश देने पहुँचे। दबिश के दौरान जो ही थानाधिकारी और जाप्ता इसके घर के नज़दीक पहुँचता है, तो इन अपराधियों के द्वारा घात लगाकर चारों तरफ से इनके हमला कर दिया जाता है। हमला में पथराव करते हैं, पथराव करने पर जो भगदड़ होती है उसमें पुलिस पर लाठियों से, चाकू से हमला करते हैं। अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाती है, उसमें पुलिसकर्मी कुछ अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। उस दौरान कईयों के अपराधियों के द्वारा लाठियों से, पत्थरों से, चाकू से वार किया जाता है, उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए। 7 का ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। 7 आउट ऑफ डेंजर है। जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, जिला कलेक्टर उदयपुर और हॉस्पिटल अधीक्षक के नेतृत्व में सारी डॉक्टर्स की टीम बेस्ट इलाज के लिए यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनकी टीम इलाके में कोर्डन करके उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, फायरिंग में अभी तक कोई अभी तो नहीं है। सर, फायरिंग की भी सूचना है क्या? फायरिंग से अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में पुलिसकर्मी के अभी तक कोई गोली लगने जैसा अलामत नहीं है। सर, जो पुलिस की SLR ली, उसके कोई फायरिंग घटना में के पश्चात, क्योंकि पुलिसकर्मी घायल हो गए, उस दौरान आरोपियों द्वारा एक SLR और एक पिस्टल छीनने की जानकारी क्राइमा फैसाई मिली है। अभी तक SLR और पिस्टल मिसिंग। सर, नामजद हुए हैं इसमें अपराधी जो पूर्व में भी अपराध करता रहा है, मांडवा थाना क्षेत्र का कर रहा है, रणिया का बेटा है खाजरू। खाजरू वांछित चल रहा था, उसी के लिए पुलिस गई थी। उस दौरान रणिया के परिवार और उनके अन्य साथियों ने ये वारदात करी। कितने लोग हमले में?
प्राइम ऑफ से 30-35 लोगों के द्वारा ये हमला करना क्या थैंक यू इसमें जो मनोज जिसके सीने पर गोली लगी है उसके अलावा कौन कौन से ऐसे जो या उनके अलावा कहाँ किन के गोली कहाँ पर लगी है किस अंग अभी तक जो डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया है उससे किसी के गोली लगने की पुष्टि अभी नहीं हुई है डिटेल मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही बता पाएंगे प्रिलिमिनरी जांच में गोली नहीं लगना प्रतीत होता है इसमें अपराधी और अपराधी का एक्सटेंडेड फैमिली और उनके रिलेटिव्स का शामिल होना चाहिए।